आप देख रहे हैं होम गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी। मैं हूं उत्तराखंड हल्द्वानी नैनीताल से। तो आज मैं आपको दिखा रही हूं अपने टेरेस गार्डन के सारे ही हैंगिंग प्लांट। इस वीडियो से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे कौन से प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं और कितनी धूप चाहिए इन प्लांट्स के लिए। सारा टेरेस का व्यू मैं करा चुकी हूँ, बस ये वाला एरिया अभी बचा था जहाँ पर मेरे इंडोर प्लांट और हैंगिंग प्लांट लगे हुए हैं। इधर की तरफ पूरे ही दिन की धूप रहती है तो फूलों वाले पौधे मैंने इधर लगाए हैं और अब मैं लिए चलती हूँ इस सीट के अंदर आपको। तो देखिए एंट्री पे मैंने इधर गोल्डन डोरंटा के कुछ पॉट रखे हैं जिनको छोटी छोटी कटिंग से तैयार किया है और काफ़ी सस्ता प्लांट भी ये मिलता है। अगर आप कटिंग से नहीं लगाना चाहते हैं तो नर्सरीज में ये 5 या 10 रुपये में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। और साथ में इधर क्रोटन रखे हैं और दोनों तरफ मैंने टायर प्लांटर रखे हैं जिनमें मैंने लेमन ग्रास लगाया है। ये सारे प्लांट लगाए हैं सेट के अंदर जाने वाले रास्ते में। यहाँ पर मॉर्निंग की धूप पड़ती है तेज 2-3 घंटे की। तो देखिए यहाँ पर बेल वाले कुछ पौधे लगाए हैं, बोगनवेला, अलामंडा, चांदनी और गौरी चौरा का एक बड़ा सा पेड़ रखा है। जब इन प्लांट्स में फूल खिलते हैं काफ़ी खूबसूरत ये कॉर्नर हो जाता है। देखिए इधर की तरफ सारे ही मेरे DIY प्लांटर हैं, इसका वीडियो कुछ दिन पहले ही मैंने अपलोड किया है। उसके बाद देखिए दोनों प्लांटर मेरे हैं टायर प्लांटर, दोनों तरफ रखे हैं इस तरह के। इनमें मैंने वॉन्डरिंग जू और लेमन ग्रास लगा दी है, इधर एस्पेरेगस लगा रखे है। तो देखिए इधर भी गोल्डन डोरंटा है, सस्ता प्लांट है पर काफ़ी ग्रीनरी एड करता है हमारे गार्डन पर। तो ये एंट्री होगी इस सेट के अंदर जाने के लिए। तो पर कुछ हैंगिंग प्लांटर पहले दिखाती हूँ। सेट के अंदर के प्लांट कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पर बारिश का पानी नहीं पड़ता है, जब भी बारिश होती है मैं यहाँ पर कलेक्ट करके रखती हूँ बारिश का पानी, उसी को इनमें डालती हूँ। कुछ इस तरह से ये पूरा छत है। एक एक करके हैंगिंग प्लांट दिखाऊंगी कौन से मैंने यहाँ पे रखे हैं। आज नीचे के प्लांट शेयर नहीं करूंगी अभी, तो सिर्फ हैंगिंग प्लांट अभी दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी नीचे के सारे ही प्लांट आपको। तो अब दिखाती हूँ आपको अपने सारे हैंगिंग प्लांट। पहला प्लांट है यहाँ पे टर्टल वाइन का। पूरे साल ये प्लांट काफ़ी अच्छा चलता है, छोटी सी कटिंग से ये लगाया जाता है। छोटी कटिंग अगर किसी पॉट पे भी गिर जाती है तो वहीं पर ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। विंटर में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो चलती है। और ये है क्रीपिंग चार्ली, छोटी छोटी कटिंग से ये प्लांट लग जाते हैं। इसमें है स्पाइडर प्लांट, इससे हल्की धूप भी चाहिए। हमारे यहाँ पे पड़ती है मॉर्निंग की हल्की धूप तो ये प्लांट काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इस तरह से छोटे बेबी निकलते हैं तो इसी से एक नया पौधा इसका रेडी हो जाता है। इस प्लांटर में मैंने मनी प्लांट लगाया है और ये भी मनी प्लांट की वैरायटी। ये सारे ही बकेट मेरे मार्केट से खरीदे हुए हैं। DIY प्लांटर भी यहाँ पे रहे, पुरानी चीज़ों से बने हुए। तो देखिए इसमें भी क्रीपिंग चार्ली, बहुत सारी वैरायटी मैंने यहाँ पे नहीं लगाई है। एक एक प्लांट को कई सारी पॉटों में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो काफ़ी सस्ते प्लांट भी ये हैं और चार्ली भी हमारे गार्डन में ऐड करते हैं। टर्टल वाइन का प्लांट सभी जगह इजीली ग्रो हो जाता है, ऐसे ही जगह पे रखिए, धूप में, छाँव में, कहीं पर भी ये चल जाता है। छाया वाली जगह इसमें ग्रीनरी ज़्यादा रहती है। कोई भी प्लांट हो इंडोर या आउटडोर, अगर उनमें थोड़ी बहुत सनलाइट पड़ती है तो प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। तो ये सारे ही टर्टल वाइन के पॉट हैं यहाँ पे। देखिए मैं यहाँ पर बारिश का पानी भर के रखती हूँ क्योंकि इन पॉटों में बारिश का पानी नहीं गिरता है। बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा है तो मैं इसमें से ही थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। इस तरह के ये टर्टल वाइन के पॉट, अभी तो ये काफ़ी बढ़ेंगे नीचे तक। और इधर है एस्पेरेगस लगाया है और ऊपर चेन प्लांट। इधर की तरफ देखिए सारे ही मेरे पेंट के डब्बे हैं जिनमें मैंने वॉन्डरिंग जू लगा दी है। ये 5-5 लीटर वाले जो आते हैं, जब पेंट हुआ था घर में तो खाली हुई थी। देखिए पूरे नीचे तक आए थे, मैंने कट करके रखे हैं,
पूरे साल इसी तरह से ये प्लांट बने रहते हैं। और सामने मैंने इस यहाँ पे हैंग कर दिए हैं कुछ टर्टल वाइन, एस्पेरेगस, काफ़ी सारे प्लांटर यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं और वॉन्डरिंग जू यहाँ पे लगाई हैं। देखिए ये मिक्स एंड मैच करके मैं खाली पॉट दिखता है तो कुछ भी कटिंग डाल देती हूँ तो अच्छे लगते हैं प्लांट जितने। और इस डिब्बे में है बेबी सनरोज, इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। देखिए इन पॉटों में मैंने स्पाइडर प्लांट लगाया था, रोज़ बारिश होने की वजह से प्लांट ख़राब हो गए हैं सब। ये पॉट जो है सारे ही वॉन्डरिंग जू के हैं। और आगे की तरफ देखिए ये वॉल्विंग जू है, जब ये बढ़ जाती हैं तो पॉट हमारे नज़र नहीं आते हैं, बॉल जैसी हैंग की भी दिखाई देती है, तो काफ़ी सुंदर ये लगते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आप इजीली इनको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ख़रीद के भी लाते हैं तो भी ये कॉस्टली नहीं मिलता है, 15-20 रुपए में आपको ये प्लांट मिल जाएगा। तो देखिए मैं इस बकेट में ही पानी रखती हूँ अपना। और कॉर्नर पे देखिए पर्पल हार्ट रखे हैं मैंने। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा बेबी टीयर्स, इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। मैंने अभी यूँ ही कटिंग लगाई है छोटे से पॉट में, इसे भी मैं हैंग करूँगी। तो देखिए काफ़ी ग्रीनरी ऐड करता है और ये प्लांट धूप वाले एरिया के लिए बेस्ट है। सेमी सेड में बहुत अच्छा चलता है, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ती वहाँ पर ये प्लांट ग्रोथ नहीं करता है। तो इसमें मैंने टर्टल वाइन भी लगा दी है और स्पाइडर प्लांट भी लगा दिया है, क्योंकि खाली पॉट था तो यूं ही डाल दिए। यहाँ पे देखिए चेन प्लांट और एक ही बास्केट है चेन प्लांट की, इसे मैंने अभी हैंग नहीं किया है, पर प्लांट काफ़ी अच्छा चल रहा है। इसमें चेन प्लांट भी काफ़ी अच्छा है हैंगिंग बास्केट के लिए, पूरे टाइम इसी तरह से ये ग्रीन रहता है। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है और प्लांट्स की अपेक्षा, कटिंग के जरिए बहुत अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। तो देखिए एस्पेरेगस, इसे भी आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। इस प्लांट को धूप चाहिए होती है। और ये हमारा टायर प्लांटर, इसी में देखिए वॉन्डरिंग जू लगाई है साइड से, कितनी अच्छी लग रही है, पूरा टायर इसने कवर कर लिया है। तो हैंगिंग बास्केट के लिए वॉन्डरिंग जू बेस्ट प्लांट है। ये देखिए वॉन्डरिंग जू का दूसरा कलर है, दो कलर पहले मैंने दिखाए थे, वॉन्डरिंग जू का ये तीसरा कलर है। इसमें भी छोटे छोटे पर्पल फ्लावर आते हैं और ये सेकुलेंट फैमिली का है, इसमें पानी कम चाहिए होता है। ये देखिए ये दिखाई दे रही है वॉल्विंग जू की हमारी बास्केट, काफ़ी सुंदर दिखती हैं ये। और इनमें मेहनत नहीं करनी पड़ती है ना गुड़ाई, एक बार लगा देते हैं तो फिर पूरी गर्मी हम थोड़ा बहुत पानी देंगे तो ये प्लांट हमारे इजीली चलते हैं। और काफ़ी ग्रीन टेरेस हमारा आजकल दिखाई दे रहा है, इतने हार्डी प्लांट हैं ये, 2-3 दिन हम पानी ना भी डालें ये प्लांट हमारे चलते अच्छे चलते हैं। ये व्यू है बाहर की तरफ से, अभी तक मैंने सेट के अंदर जाके दिखाया है आपको प्लांट, बाहर से देखिए इस तरह की ये बास्केट दिखाई देती हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती हैं गार्डनिंग से रिलेटेड। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।